नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख सगुण भक्त कवि सूरदास पर। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और सीसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से नित्य प्रति आप सभी को जानकारी देते हैं, ऐसी जानकारियाँ जिनको प्राप्त करने के बाद आप आत्मसात करते हैं और आप लाभान्वित होते हैं, इस बात की हम कामना करते हैं। तो मित्रों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, और इनके माध्यम से आज हम भक्त कवि सूरदास पर इस व्याख्यान के माध्यम से अपने ज्ञान वृद्धि करते हैं। तो डॉक्टर टंडन, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल में और उत्तर मध्य काल रीति काल में जो मध्यकालीन साहित्य और मध्यकालीन काव्य जिसको कहा जाता है, उसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की भी एक सुदीर्घ परंपरा है। और यह परंपरा लगभग 550 वर्ष तक तो चलती ही है। हालांकि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति सृजन की यह परंपरा आधुनिक युग में भी दिखाई देती है। प्रिय प्रवास जैसी रचना कृष्ण भक्ति की रचना है और साकेत जैसी रचना राम भक्ति की रचना है। किंतु जब हम मध्यकालीन साहित्य को सगुण और निर्गुण दो वर्गों में विभक्त करते हैं और इस आधार पर यह निर्णय करते हैं कि जो भक्त कवि साकार ब्रह्म की, एकदम प्रस्तुत ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो सगुण भक्त कहलाते हैं। उसमें राम भक्त और कृष्ण भक्त दोनों प्रकार के कवि मिलते हैं। तुलसी की बात करें या तुलसी के अनुसरण करने वाले अन्य राम भक्त कवियों की बात करें, इधर सूरदास की बात करें या अष्टछाप के अन्य कृष्ण भक्त कवि और उस परंपरा से बाहर रहकर कृष्ण भक्ति करने वाले कवि, तो सगुण जो ईश्वर को साकार मानते हैं, गुण युक्त मानते हैं, और निर्गुण जो ईश्वर को गुण रहित मानते हैं, निराकार अलख और अस्पृश्य इस तरह से मानते हैं, उसे उन्हें न छू सकते हैं न देख सकते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो अनादि और अनंत हैं, इस तरह का उल्लेख हमारे यहाँ मिलता है। निर्गुण भक्ति में कबीर जो कि प्रवर्तक हैं और उसके बाद के दादू, सुंदर, संत पीपा, संत नामदेव, गुरु नानक देव आदि, ये सब निर्गुण भक्त कवि हैं। और निर्गुण भक्ति में ही फिर एक प्रेम मार्गी काव्यधारा भी है जिसे सूफी काव्यधारा कहा जाता है। संत कवि ज्ञान मार्गी कवि थे और सूफी कवि प्रेम मार्गी कवि थे। इस तरह यह जो सगुण भक्ति काव्यधारा है जिसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक अपने प्रचार प्रसार से, अपनी उपस्थिति से पूरे न केवल भारतीय जनमानस को अपितु वैश्विक स्तर पर हम देख सकते हैं अभिभूत किया, और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का प्रचार प्रसार इस तरह हुआ कि ये लोक नायक केवल भारत के नायक नहीं रहे अपितु विश्व के नायक बन गए। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति को हम भारत की सीमाओं से बाहर भी देखते हैं। बहुत से देश हैं जहाँ वैष्णव मंदिर, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर या इस प्रकार की पूजा उपासना अनुष्ठान आदि का यह सिलसिला दिखाई देता है। तो सगुण भक्ति काव्यधारा में जो एक प्रमुख काव्यधारा है वह है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि वह पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल में भी और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल इसमें भी वह पूरी तरह से दिखाई देती है।
भक्तिकाल की जो कृष्ण भक्ति है वह विशुद्ध भक्ति प्रतीत होती है। उसमें सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास आदि ये जो तमाम कवि हैं अष्टछापी काव्यधारा के, वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए, और इससे बाहर रहकर भी भक्ति करने वाले कृष्ण भक्त हैं, जैसे मीरा, जैसे रसखान, तो रहीम आदि, इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बहुत लिखा और प्रबंध काव्य भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे गए। ठीक इसी तरह उत्तर मध्यकाल रीतिकाल में भी कृष्ण भक्ति काव्य खूब लिखा गया। वहां तो भिखारीदास जैसे कवि ने, आचार्य ने यह भी कहा कि और कवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका कनाई, सुमिरन को बहाना है। किंतु राधा और कृष्ण के स्मरण का बहाना मात्र नहीं है, रीतिकाल में भी विशुद्ध भक्ति परक रचनाएं प्रचुर मात्रा में मिलती है। गुरु गोविंद सिंह का कृष्ण अवतार देख लें, या राधा को सर्वोपरि मानने वाले बिहारी की भक्ति भावना देख लें, मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई, या फिर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो ये जो कृष्ण भक्ति है यह आंशिक रूप से या अधिक मात्रा में रीतिकाल के लगभग सभी कवियों में देखने को मिलती है। पद्माकर के वो प्रसंग जो फाग उत्सव के हैं, फाग की भीड़ अभिरणते गई गोविंद भीतर लह गई गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर ते सुविधा दई मीण कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी अयो खेलन होरी। तो ये जो कृष्ण भक्ति का सिलसिला है ये पूरे 550-600 साल तक तो मध्यकाल में मिलता ही है, और उसके बाद भी फिर नाट्य रचनाओं के रूप में, कथात्मक रचनाओं के रूप में, औपन्यासिक रचनाओं के रूप में, एकांकी में ये हम देख सकते हैं, और कविता में भी। जैसे उत्तर मध्यकाल में और उत्तर मध्यकाल में जो परंपरा शुरू हुई, आधुनिक काल में भी वह गतिमान रही, निरंतर चलती रही, गद्य और पद्य दोनों रूपों में। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख सगुण भक्त कवि सूरदास है, और सूरदास हम जानते हैं कि अपनी अनेक प्रवृत्तियों के कारण, कविता की जो प्रवृत्तियां हैं उनके कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। दिल्ली के पास ही सीही एक स्थान है जो कि बल्लभगढ़ के आसपास है, वहां पर उनका जन्म माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन सूर की कविता को देखकर, उनके छंदों को देखकर, उनकी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि को देखकर यह हृदय तैयार नहीं होता मानने को कि वे जन्मांध थे। क्योंकि उनकी वर्ण योजना की बात करें, उनकी मुख मुद्राओं के वर्णन की बात करें, आंगिक चेष्टाओं की बात करें, बाल लीलाओं की बात करें, माँ के हृदय की बात करें, वात्सल्य के सुंदर चित्रों की बात करें, संयोग के परस्पर माधुर्य बिखेरने वाले संवादों की बात करें, तो लगता नहीं कि सूर जन्मांध थे। और रंगों तक को उन्होंने अपनी कविता में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सगुण भक्ति काव्य में जो कृष्ण भक्ति धारा है, हालांकि सूर ने राम काव्य भी लिखा है और बड़ी मात्रा में लिखा है, तो सूर वस्तुतः सगुण भक्त थे, मूल रूप से कृष्ण भक्त थे, किंतु राम भक्ति में भी सूरदास ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, क्योंकि राम भक्ति भी मध्यकाल की एक मुख्य भक्ति धारा थी
तो कृष्ण उससे सूर उनसे तुलसी आदि कवियों से प्रभावित हुए और फिर उन्होंने उस पर भी लिखनी चलाई। तो आज सगुण भक्त कवि, प्रमुख सगुण भक्त कवि सूरदास, इनको ध्यान में रखकर हम उनकी कुछ विशेषताओं पर, उनके प्रदेय पर, उनकी कविता की प्रवृत्तियों पर चर्चा थोड़ी करेंगे। हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य में यदि प्रवर्तक के रूप में किसी को जाना जाता है तो वो सूरदास हैं। अष्टछाप के शिरोमणि कवि के रूप में भी सूरदास ने अपनी पहचान बनाई है। धर्म, साहित्य और संगीत के संदर्भ में भी जब चर्चा होती है तो हिंदी भाषी क्षेत्र में और संपूर्ण भारत में और फिर उसके बाद अखिल ब्रह्मांड में हम देख सकते हैं कि जिन महान मध्ययुगीन काव्य विभूतियों की चर्चा होती है उनमें सूरदास भी हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। विप्रलंब श्रृंगार के अतुल मर्मज्ञ कहे जाते हैं। जैसा विरह का, वियोग का जैसा चित्रण सूरदास ने किया है वह विलक्षण है, अनुपलब्ध होता है दूसरी जगहों पर। इसलिए विप्रलंब के मर्मज्ञ कवि के रूप में भी उनकी पहचान होती है। ब्रजभाषा को यदि सबसे पहले साहित्यिक रूप किसी कवि ने दिया तो वो सूरदास है। इस तरह हम देखते हैं कि सूरदास ने प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, सौंदर्य, विप्रलंब और इसी प्रकार के अनेक अनुशासनों संदर्भों को कविता से जोड़ा है। हिंदी साहित्य में सूरदास नाम के अनेक कवि मिलते हैं और इसीलिए उनके जीवन परिचय पर जब चर्चा होती है तो अन्य कवियों से भी कुछ चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं, किंतु सूरदास ने स्वरचित ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया कि उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वे जन्मांध थे और जन्मांध होने के कारण ही जाति पाति के बंधन का पालन वो नहीं कर सकते थे, उसमें असमर्थ थे। इसीलिए वो स्वयं इस बात का उल्लेख भी करते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति के बंधनों ने मध्यकालीन भारतीय समाज को जकड़ा हुआ था, लेकिन सूरदास ने हरि को भजे सो हरि को होई ऐसा कहकर इस भेदभाव के विरुद्ध अपना स्वर मुखर किया। 32 वर्ष की अवस्था में सूरदास आचार्य वल्लभ के शिष्यत्व में गए, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए और अंतिम क्षण तक, मृत्यु पर्यंत, वे उस संप्रदाय में सेवारत रहे। उनका देहावसान सन 1583 ईस्वी के आसपास माना जाता है और पारसोली ग्राम में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। सूर से संबंधित यो 25 ग्रंथों की चर्चा इतिहास ग्रंथों में और आलोचना के ग्रंथों में मिलती है, जिनमें सूर सारावली, सूर रामायण, भंवर गीत, सूरदास के विनय पद, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सागर, सूर सागर सार, सूर शतक आदि रचनाओं के नाम लिए जाते हैं। किंतु प्रामाणिक दृष्टि से जिन तीन ग्रंथों की चर्चा होती है उनमें सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। सूर सागर सूरदास की कीर्ति, उनकी ख्याति का मुख्य स्तंभ है, आधार स्तंभ है। सूर सागर भागवत के अनुरूप रची गई एक विलक्षण बृहत रचना है।
सूरदास स्वयं कहते हैं सूर कयो भागवत अनुसार, ये पंक्ति बार बार उनकी कविता में आती है। सूर ने अपने इस ग्रंथ में विनय के पद, दशावतारों का चित्रण और कवि दृष्टि उनकी विशेष रूप से कृष्ण लीलाओं पर केंद्रित रही। दशम स्कंद में कृष्ण की जितनी भी बाल लीलाएं मिलती हैं, रूप माधुरी, प्रेम विरह और इसका वर्णन, गोपी उद्धव संवाद जिसे हम भ्रमर गीत के प्रसंग में विशेष रूप से देखते हैं, और सूरदास की एक बड़ी देन भ्रमर गीत योजना भी है, इन सब पर सूरदास ने विस्तार से लिखा है। तो दशम स्कंद से भी वस्तु ग्रहण की है। कृष्ण का लोक रक्षक रूप उतना सूर के काव्य में नहीं आया जितना लोक रंजक रूप आया, क्योंकि राधा कृष्ण और गोप गोपियों की कृष्ण के साथ की गई तमाम लीलाएं, उन लीलाओं में कृष्ण लोक रंजक रूप में उपस्थित होते हैं। सूर सागर का दृष्टिकोण भी लीला परक था, इसलिए सूरदास ने यह विशेष दृष्टि कविता में प्रस्तुत करते हुए पुष्टि मार्गी भक्ति का अनुसरण किया। कृष्ण लीलाओं में राधा को मुख्य स्थान दिया। इस तरह सूरसागर भागवत का कोई अनुकरण या अनुवाद नहीं, सूरदास की एक मौलिक रचना है जिसमें सूर की अपनी सृजन धर्मिता, सूर की अपनी संवेदनशीलता, सूरदास की अपनी वात्सल्य भावना, प्रेम भावना, श्रृंगार भावना, ये बहुत मौलिक रूप से हमें दिखाई देती है। वात्सल्य और श्रृंगार का हृदय स्पर्शी चित्रण सूरदास ही करते हैं। कृष्ण जीवन की संपूर्ण कथा अगर हम देखना चाहते हैं तो यह दो तरह से देखी जा सकती है, महाकाव्यात्मक रूप में या प्रबंध रूप में और या गेय रूप में। सूर ने वास्तव में अपनी काव्य अधिकारिणी शक्ति का परिचय हमें दिया और भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, विरह आदि के विलक्षण चित्र कविता में उतारे। उच्च कोटि के भक्तों में सूरदास सर्वोपरि माने जाते हैं। राम भक्त भक्ति काव्य में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास। भक्ति उनके लिए साध्य है न कि साधन, वे भक्ति को ही साध्य मानकर चलते हैं। उनके मत में यह जो प्रपंच परक सृष्टि है, संसार है, जगत है, इससे मुक्ति पाने का, इससे छूटने का सरलतम उपाय कोई यदि है तो वह हरि भक्ति, प्रभु भक्ति, आराध्य भक्ति है। इस भक्ति के बिना समस्त जीवन उन्हें भार प्रतीत होता है, बोझ प्रतीत होता है। भौतिक विषयों के दुष्परिणामों का उद्घाटन और प्रभु प्रेम की प्रस्तुति उन्होंने जिस खूबी से की, उतनी खूबी से अन्य कवि नहीं कर सके। वे संसार में, भौतिकता में, माया में लिप्त, भ्रमित जो सामाजिक हैं, जो जीव हैं, मनुष्य हैं, उन सबको हरि भक्ति के लिए लीला गायन इनकी प्रेरणा देते हैं और उसी में रत रहते हुए इस सांसारिकता से, इस भौतिकता से मुक्त होने की प्रेरणा भी देते चलते हैं। वे ये जो सांसारिक साधन हैं इन्हें बंधन मानते हैं और हरि का भक्त स्वयं अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता से, अपने समर्पण की ईमानदारी और निष्ठा से हरि रूप ही हो जाता है। वह ब्रह्म से,
महादेव से भी महान हो जाता है यदि हरि की भक्ति वो ईमानदारी से निष्ठा से करे। इसलिए सूर कहते हैं हरि को हरि के जन सबते अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्हें संसार में वो सब कुछ प्राप्य है जो किसी को नहीं है। सूर की रचनाओं में दो तरह की भक्ति मिलती है, एक विनय भक्ति और दूसरी सख्य भक्ति। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो करते हैं सूर को, और सूर पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर जो कि आत्मबल प्राप्त करते हैं, जबकि पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास दीनहीन प्रतीत होते हैं, घिघियाते हैं। इसीलिए वल्लभाचार्य ने कहा सूर है के काहे घिघियात हो, अपने को पतित और उपेक्षित पात्र मानकर प्रभु को पतित पावन कहकर अपने उद्धार की प्रार्थना सूर करते हैं। वे अपनी दीनता अपनी हीनता को प्रकट करते हैं और कहते भी हैं प्रभु हों सब पतितन को टीको। पतितों में भी जो श्रेष्ठ पतित होता है यानी सर्वोपरि पतित होता है उनका उनके मस्तक का तिलक मैं हूँ, इसका मतलब मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। और पतित सब ध्वंसचारी के हों तो जन्मत ही को, मैं तो जन्म से ही पतित हूँ। ये जो जाति का बोध है उसकी तरफ भी संकेत करते हैं। सूर सगुण भक्त कवि, और सगुण भक्त कवि जीवन के प्रारंभ में ही प्रथम चरणों में ही वो निर्गुण ब्रह्म की महिमा को भी स्वीकार करते हैं, यानी सूर का जो प्रारंभिक भक्त रूप है वो निर्गुण सगुण में उतना भेद नहीं कर पा रहा, और वो निर्गुण की भक्ति भी प्रारंभ में करते हुए कहते हैं नैनन निरख श्याम स्वरूप रयो घट घट व्यापी सोई ज्योति रूप अनूप। घट घट में उसी की ज्योति व्याप रही है, इस तरह का भावबोध भी सूर के पास प्रारंभ में दिखाई देता है। इसीलिए वो माया का वर्णन भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह, जो जो जगत क्या है सृष्टि क्या है ब्रह्म क्या है जीव क्या है आत्मा क्या है ये सब जानते हैं, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानियों की तरह कहते भी हैं माधव नैकु हटको गाई भ्रमत निसिबासर अपथ पथ अगही गही नहीं जाई। तो सूरदास की जो भावना है वो वास्तव में प्रारंभ में दीनता की विनम्रता की और अपने को पतितों का टीका मानने की भावना रही है, किंतु वल्लभाचार्य के संसर्ग में आते ही वे निर्गुण भक्ति के प्रति धीरे धीरे उदासीन होते चले जाते हैं और सगुण भक्त उनका प्रबल होने लगता है, और वे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धाई। जिसका न रूप है जिसकी कोई रेखा नहीं है जिसके कोई गुण नहीं है जिसकी कोई पहचान नहीं है ऐसे निरालंब को कैसे और कहाँ जाकर भजूं, उसकी भक्ति कैसे करूं जो जिसको मैं देख नहीं सकता जिसे मैं छू नहीं सकता। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गायो। कहते हैं जब मैंने देखा कि हर तरह से निर्गुण ब्रह्म जो है वो गति में पकड़ में नहीं है इसलिए मैं सगुण भक्ति की ओर उन्मुख हो रहा हूँ। सूर ने नवदा भक्ति के सभी रूपों का वर्णन किया और सख्य भाव की भक्ति वात्सल्य भाव की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति इनमें अनेक पद लिखे। सूरदास ने सूर सागर में बहुत सी बाल लीलाओं का गोचारण लीलाओं का सुदामा की दरिद्रता का और सख्य भावना का जहाँ वो गोप गोपियों के साथ राधा आदि के साथ क्रीड़ा करते हैं लीलाएं करते हैं उन सब का अलग अलग तरह से चित्रण सूरदास करते चलते हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जो
सूरदास पर और कृष्ण भक्ति काव्य पर मर्मज्ञ विद्वान हैं, आलोचक हैं, उन्होंने लिखा सूरदास के सखा भाव में विशेषता यह है कि उसमें एक और तो मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है और दूसरी ओर उसमें भक्ति भाव की पूरी तल्लीनता और भावात्मकता की गहन अनुभूति विद्यमान है। इसलिए सूर का सख्य वर्णन विश्व के साहित्य में बेजोड़ है, कोई जोड़ उसका, कोई तुलना उसकी नहीं है। सख्य भक्ति के समान वात्सल्य भक्ति भी, वात्सल्य भाव भी सूरदास का अद्भुत है। वात्सल्य भाव निष्काम भाव की भक्ति का द्योतक है, परिचायक है, पोषक है। इसमें न तो विरक्ति की भावना होती है और न इंद्रिय सुख की भावना होती है। यह वात्सल्य रस की एक अलग तरह से चर्चा की गई है। नवरस में वात्सल्य की गणना नहीं है, लेकिन वात्सल्य को भी एक रस के रूप में शास्त्रज्ञों ने विचार करते हुए विवेचन किया है। सूरदास ने वात्सल्य भाव की भक्ति का यशोदा के और बालकृष्ण के माध्यम से बड़ा विलक्षण चित्रण किया है। वे स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी चित्र खींचते हैं। अन्य पात्रों का वात्सल्य मानो यशोदा के वात्सल्य की भावना की पूर्ण अनुभूति को ही चित्रित करने में सूर ने लगा दिया है। हरिवंशलाल शर्मा ने ही लिखा है कि यदि कहा जाए कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया तो असंगत नहीं होगा। वास्तव में सूर के पास बाल मन को समझने का जैसा हृदय है वैसा हृदय सामान्यतः माँ के पास ही होता है। इसलिए शुक्ल जी भी लिखते हैं कि सूरदास माँ के हृदय का कोना कोना झांकाएं। ये उल्लेख कई कवियों ने, कई आलोचकों ने, चिंतकों ने किया है। प्रेमा भक्ति को विशेष रूप से सूर अपनाते हैं। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति भी है। लोक पक्ष में जिसे श्रृंगार कहा गया, भक्ति पक्ष में वही मधुरा रस कहलाया, यानी मधुर रस कहलाया। इस रस में औचित्य अनौचित्य का विचार न होकर स्वकीय और परकीय दोनों ही भावों में रति विद्यमान होती है। इसीलिए भक्त सूरदास की अंतरात्मा का अंतर्भाव हम राधा में निहित देखते हैं। आत्मसमर्पण और अनन्य भाव, यानी मधुरा भक्ति के लिए जिसकी अपेक्षा आवश्यकता होती है, सूर की दान लीला, चीर हरण लीला, रास लीला, इन सब में इस भावना को हम देख सकते हैं। सूर की गोपियां भक्ति की आदर्श हैं, इसलिए क्योंकि वह निष्ठा, वह समर्पण, वह प्रतीक्षा, वह विराधिक्य भावना और वह श्रृंगार की स्मृतियां, मिलन की स्मृतियां, जो गोपियों के माध्यम से, भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से सूर व्यक्त करते हैं, वह हिंदी साहित्य की विलक्षण धरोहर है। कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम और लोक मर्यादा, उसका भी अनुपालन, इस तरह कहीं कहीं कृष्ण के अनुराग के प्रति वह प्रस्तुत होती हैं तो लोक और लोक की मर्यादा को भी छोड़ देती हैं। इस ऐसे अनेक प्रसंग सूरदास ने अपनी कविता में चित्रित किए हैं। इस तरह राधा और गोपियों के माध्यम से हृदय की समस्त पीड़ा को, प्रेम को और भक्ति को सूरदास ने बखूबी चित्रित किया है। शील, शक्ति और सौंदर्य, सूरदास कृष्ण के इन तीनों पक्षों को चित्रित करते हैं और बहुत ही प्रभावी ढंग से वे बाल कृष्ण, युवा कृष्ण, प्रौढ़ कृष्ण का चित्रण भी करते चलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सूरदास ने अपनी कविता में अनेक प्रवृत्तियों का समावेश किया है और बाल हृदय को समझने में, माँ के हृदय के अनुकूल आचरण करने में सूरदास का पूरे विश्व साहित्य में कोई जोड़ नहीं है। ऐसे महान कवि जो
सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं में बहुत सी प्रवृत्तियों का वैविध्य देखने को मिलता है। अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अन्य प्रवृत्तियों पर फिर हम आगे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और इस सेशन के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को, जिनके माध्यम से हमने सूरदास के व्यक्तित्व को जाना, समझा और उनकी लेखनी में उनके व्यक्तित्व को किस प्रकार से हम समझ पाए हैं, दर्शाया गया है उनकी लेखनी में। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप सूरदास के बारे में और जानें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। हम हाजिर होते हैं छोटे से विराम के बाद और उसके उपरांत सूरदास और उनकी लेखनी पर और चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, आज हम भक्त कवि सूरदास पर चर्चा कर रहे हैं और उनके साहित्य को छूने की कोशिश कर रहे हैं, स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आज के सेशन से ज़रूर लाभान्वित हो रहे हैं। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और नृत्य प्रति आपके माध्यम से हमें स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए एक मार्ग मिलता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का और एक बार फिर एक बेहतर मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं अपने पग। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर टंडन का एक बार फिर से। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, जैसा कि सूरदास के संदर्भ में सामान्यतः यह कहा जाता है कि सूरदास हिंदी साहित्य के बड़े कवियों में, अग्रिम पंक्ति के कवियों में दिखाई देते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो आदर्श स्थापित किए, जो मानक बनाए, वो वास्तव में विश्व साहित्य में उन्हें खड़ा कर देते हैं। सूर की तमाम काव्य प्रवृत्तियों को, उनके अभिव्यंजना शिल्प को, उनके भाषिक सौंदर्य को, उनकी कलात्मकता को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो महान कवि हैं, वो वास्तव में विश्व स्तरीय कवि हैं। सूरदास विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, ईश्वरीय अनुकंपा उनके पास उपलब्ध थी, तभी उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, इनका एक विलक्षण समन्वय हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के इसी वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर अपनी समालोचक दृष्टि से यह लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। तो बंद आंखों से सूरदास ने तमाम उन पक्षों को, उन कोने कोनों को झांक लिया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए,
उक्त दोनों के प्रवर्तक रति भाव के भीतर भी जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके हैं उतना अन्य कोई नहीं कर सका। वास्तव में सूरदास के पास वह एक सूक्ष्म गहन और गंभीर दृष्टि थी जो उनके कवि रूप को अलग से हमारे समक्ष उपस्थित कर देती है। वे प्रकृति के भी चितेरे हैं, वे जीवन की, सामाजिक जीवन की, लोक जीवन की, लोक संस्कृति की जो झांकियां हैं उनका भी चित्रण कर देते हैं। वे पर्वों का, उत्सवों का, रीति रिवाजों का, संस्कारों का, पूजा आदि की पद्धति का जिस तरह से वर्णन करते हैं वह अद्भुत है। वात्सल्य और श्रृंगार तो वास्तव में जो धारा सूर बहाते हैं वह अत्यधिक गंभीर धारा के रूप में हमारे समक्ष आती है। सूरदास ने श्रृंगार को रसराज की तरह लिया है और वास्तव में श्रृंगार को रसों का राजा कहा भी जाता है। वात्सल्य सूर का प्रिय क्षेत्र है, इसलिए सर्वांगीणता अगर कविता की देखनी है, मार्मिकता यदि कवि हृदय की देखनी है तो सूरदास में वात्सल्य वर्णन में देखी जा सकती है। सूर ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का जैसा मनोहारी, जैसा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का, मुख मुद्राओं का, आंगिक चेष्टाओं का चित्रण जैसा सूर करते हैं वह वास्तव में हृदय स्पर्शी है, अत्यंत प्रभावी है और उसे पढ़कर अनायास पाठक सूर के काव्य लोक से जुड़ जाता है, बंध जाता है। बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ साथ सूरदास ने अनेक क्रीड़ाओं का चित्रण भी किया है, यानी व्यक्तिगत रूप से वात्सल्य के प्रसंगों में या वो समूह में और युगल रूप में क्रीड़ाओं के संदर्भ में सूरदास अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उन सब चित्रों को कविता के माध्यम से बिंबित करते हैं, रूपायित करते हैं। समालोचक द्वारका प्रसाद सक्सेना ने अपनी आलोचक दृष्टि से लिखा, वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूर की दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की दृष्टि नहीं पहुंच सकी। इस क्षेत्र में तो उस महाकवि ने मानो दूसरे कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। सूर ने वात्सल्य का हृदय स्पर्शी चित्रण करके बालोचित चेष्टाओं और क्रीड़ाओं को मातृ हृदय से व्यक्त किया है। ऐसी मनोरम व्यंजना जो भाव और रस की चरम सीमा तक ले जाती है अन्यत्र किसी काव्य में देखने को नहीं मिलती। इस तरह हम देख सकते हैं कि सूर ने यशोदा के बहाने अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया है और सूर के चित्त में एक बाल सूर भी बैठा है। वह बाल मन को कैसे पढ़ता है यह एक बड़ी विलक्षण देन सूरदास की मानी जाती है। इस तरह विश्व साहित्य में सूर का वात्सल्य भाव एक विशिष्ट स्थान बनाता है। सूर ने पुरुष होकर भी स्त्री का मातृ हृदय इसको पाया है, यह वास्तव में सूरदास को विलक्षण अनुकंपा ईश्वर की प्राप्त हुई है। इस तरह रूप माधुरी, मनोरम चेष्टाएं, बाल सुलभ स्पर्धाएं, तमाम गोचारण, माखनचारण, माखन लीला, गोदोहन लीला आदि इनके चित्रण हो, कृष्ण का पलकों को मूंदना हो,
यशोदा का उन्हें सोता जानकर संकेतों में इशारों में बात करने का वर्णन हो, सभी कुछ अत्यंत स्वाभाविक और विमुग्ध कर लेने वाला है। बाल कृष्ण तो महल के या भवन के स्तंभ में अपना प्रतिबिंब जब देखते हैं तो उसे अन्य बालक मानकर उस प्रतिबिंब को माखन चटाते हैं। इसका चित्रण भी सूरदास ने किया है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि सूरदास जन्मांध थे, यह मन मानता नहीं है। वास्तव में घुटनों के चल बल चलना, रेंगना, आंगन में दौड़ना, ऊखल से बांधना, माता ऊखल से बांध देती हैं, उसका किलकारी मारना और तमाम संदर्भों के साथ साथ अंगूठा, पाँव का अंगूठा मुंह में डालना, ये वो सब चित्रण है जो हम अपने लोक जीवन में, अपने घरों में, बाल प्रसंगों में, बच्चे और माँ के बीच की तमाम घटनाक्रमों में देख सकते हैं, हम देखते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक और नैसर्गिक लगता है कि सूरदास वास्तव में बड़ी बारीकी से अध्ययन करते चलते हैं। सूरदास ने माँ यशोदा के हृदय को पढ़ा है। उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण को किसी की नजर ना लग जाए, ये एक माँ सोच रही है। इसलिए सूरदास उस बाल कृष्ण के माथे पर स्नानोपरांत एक काला टीका भी लगवाते हैं माँ से। कृष्ण को वेणी बढ़ाने का एक प्रलोभन माँ दूध पिलाने के लिए देती है और गोपियों द्वारा कृष्ण को माखन चोरी करने की शिकायत आदि का चित्रण भी यशोदा से किया जाता है। और जब बाल कृष्ण माता यशोदा से ये प्रश्न करते हैं कि मैया कबहू बड़ोगी छोटी, कितनी देर मोए दूध पिबत वही, ये अबहू है छोटी, और कब कितना समय लगेगा इस छोटी को बढ़ने में, क्योंकि माँ ने दूध पिलाने के लिए यह बहाना बार बार बनाया कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो और बड़ी हो जाएगी। तो बाल कृष्ण किस तरह से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, माँ से प्रश्न करते हैं, ये सूरदास यहाँ तक चले जाते हैं। गोपियों की शिकायत यशोदा से, मेरो गोपाल तनक सो कहा करी जाने दधि की चोरी। माँ कहती है कि वो छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम कहती हो कि वो दूध दही चुराता है, मक्खन चुराता है, वो छोटा सा बच्चा, उसके हाथ वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो जसोदा हरी पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछुगावे। आंगन में पालने में झूले में बाल कृष्ण को लेटाकर माँ लोरी गा रही है, गायन कर रही है, जैसे तैसे उस बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। ये जो चित्र बनता है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, नंद की पत्नी ये सुख जो बाल कृष्ण को, भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है, ये सुख तो बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों को नहीं मिलता, जो नंद की भामिनी को प्राप्त हो गया। कृष्ण के मथुरा गमन पर यशोदा कृष्ण के विरह में कैसे विलाप करती है और यहाँ तक के नंद को फटकारती है। जसोदा कान कान के बूझे, फूट न गई तुम्हारी चारों कैसे मारग सूझे, कैसे छोड़कर आ गए, तुम्हारी चारों फूट नहीं गई। ये जो लोक का मुहावरा है, ये जो ब्रज प्रदेश की संस्कृति का मुहावरा है, उसका प्रयोग भी सूरदास बखूबी करते हैं। यशोदा किसी भी पथिक को रोककर, आने जाने वाले को रोककर
और बार बार संदेशा भेजती हैं, कृष्ण की खबर लेना चाहती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाये त्योहारे सित की दया करत ही रहियो। सूर ने ऐसी अभिलाषा, ऐसी व्याकुलता, ऐसी चिंता, ऐसी उत्कंठा वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। इस तरह से सूरदास के इस काव्य के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों बाद भी इस तरह की कविता नहीं लिखी जाती। सूर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषी जनता में इन्हीं तमाम बातों से अपनी एक स्थायी भाव वाली भावना बनाए हुए हैं। श्रृंगार रस का चित्रण राधा तथा गोपियों के प्रेम के रूप में, जहां बाल या युवा कृष्ण राधा को देखकर कहते हैं कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबों ब्रज खोरी, है ना, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, ये जो चित्रण है और राधा का ये मासूमियत से उत्तर देना, लेकिन चातुर्य से कहना काहे को हम ब्रजतन आवत खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत नंदन को ढोटा करत रहत, ये जो चोरी करने की भावना कृष्ण के विषय में है कि हम तो ये सुना हमने तो बहुत कि वो चोर है, तुम चोर कृष्ण को चोर बताते हुए, तो कृष्ण मन क्या कहता है, तुमरो कहा चोरी हम लई है, चलो मिलकर खेलते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम्हारे से मैं चुरा लूंगा। ये जो भावना है, ये जो अभिव्यक्ति कौशल है, ये सूर के पास है। इस तरह बाल सुलभ संसर्ग में क्रीड़ाएं, सखा सखियों के साथ, प्रिय प्रिया के साथ तरह तरह के रास करना, लीलाएं करना, और ये जो सघन वन में जाकर, कुंज गलियों में जाकर क्रीड़ा आदि लीला आदि के माध्यम से कृष्ण अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, यह अविस्मरणीय है। इसलिए वियोग में, विछोह में, विरह में गोपियां बिलखती हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, ये जो लड़कपन का प्रेम है, ये जो बालपन का प्रेम है, ये तो चित्त में घर कर जाता है, इसे कैसे भुलाएं, इसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें तो बिना कृष्ण कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सूर श्याम बिन और न भावे को कितनो समझावे, कोई कितना ही समझा ले लेकिन कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, न मित्र, न परिकर, न परिवार, न खाना, न उठना, न बैठना, कुछ सूझता ही नहीं है, वो दिलो दिमाग पर आच्छादित हो जाते हैं। इस तरह संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण सूरदास करते हैं। सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत मुरली की स्तुति, राधा कृष्ण के मिलन प्रसंग, चीर हरण लीला, कृष्ण विवाह, रास लीला, जल क्रीड़ा, मुरली प्रसंग, पनघट लीला, दान लीला, मान लीला, झूलने में या पलने में झुलाना, बसंत उत्सव का आयोजन, ये तमाम वो प्रसंग हैं जो सूरदास बखूबी कविता में बांधते चलते हैं। एक के बाद एक प्रसंग अद्भुत रूप में हमारे समक्ष आता है। गोपियां औचित्य अनौचित्य का बोध भूल जाती हैं, मर्यादा का अतिक्रमण कर देती हैं, और रति वर्णन संयोगावस्था में उनकी संयोग रति का भी वर्णन वो करती हैं। मानो भई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, एक राधा एक कृष्ण, एक राधा एक कृष्ण, इस तरह की परिकल्पना फिर वो करती हैं। सूर का वियोग संयोग से भी अधिक प्रबल और उज्ज्वल है। वियोग श्रृंगार में कृष्ण का मथुरा गमन, गोपी विरह वर्णन, भ्रमर गीत के प्रसंग से उपालंब शिकवा शिकायतें, उद्धव की को प्रताड़ित करना, इसी तरह अत्यंत व्यापक रूप में गोपियों की मनोव्यथा का चित्रण,
ब्रज से चलते हुए गोपियां चित्र लिखित सी रह जाती हैं, जैसे चित्र बनाकर कोई छोड़ देता है, ऐसे अवाक स्तब्ध निष्प्राण सी खड़ी रह जाती हैं। आंखों की पुतलियां तक हिलती नहीं हैं, नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते हैं, निसदिन बरसत नैन हमारे, इन नैनों से बादल भी हार जाते हैं। संयोग में सुख प्रदान करने वाली समस्त वस्तुएं विरह और वियोग में कष्टप्रद हो जाती हैं, पीड़ा देने वाली बन जाती हैं। रात जो काली है वो नागिन बनकर डसती है। मधुबन को कोसती हैं गोपियां, जिस मधुबन में कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी, लीला करती थी, संयोग में जो सुखद थे वो अब त्रासद हो गए, पीड़ा कष्ट देने वाले हो गए। कृष्ण के वियोग में कालिंदी ज्वरग्रस्त दिखाई देती है, यमुना भी बुखार से त्रस्त दिखाई देती है। इस तरह ज्ञान योग का खंडन और प्रेम की प्रतिष्ठा, उपालंब द्वारा विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति, कहा जाता है कि वियोग जो है वो प्रेम की कसौटी है। कृष्ण द्वारा भेजी पत्रियों को, चिट्ठियों को देखकर गोपियां भाव विवल हो जाती हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत उर छाती है। लोचन जल कागद मसी मिलके है गए श्याम साम जो की भाती। अपनी सारी विरह व्यथा राधा तो मौन रहकर प्रकट करती है, वह तो कुछ बोलती नहीं है, न स्नान करती है, न वस्त्र बदलती है, तीह लालच न धुआवत सारी। स्थिति ये हो जाती है कि मिलन के अंतिम क्षणों में कृष्ण के साथ जो जो साड़ी, जो वस्त्र संयोग के अंतिम क्षणों में धारण किए हुए थे, उन्हें धुलवाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वह जो सुखद अनुभूति है वो उससे वंचित हो जाएगी, तो वंचित नहीं होना चाहती है। इसलिए उसकी विरह व्यथा, उसकी घनीभूत पीड़ा, उसका चित्रण भी सूर करते हैं। अति मलीन वृषभानु कुमारी हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलिजारी। सूरदास कैसे करी जीवे ब्रज बनिता बिन श्याम दुखारी। बिना श्याम के ब्रज की सारी वनिताएं अत्यंत दुखी हैं, और बिना कृष्ण के कैसे जिएंगी इसका उत्तर वो नहीं खोज पा रही। इसलिए श्रृंगार की सभी अवस्थाओं का, सभी दशाओं का चित्रण सूरदास अपनी कविता में करते हैं। साहित्य लहरी में तो नायक नायिका भेद भी वो विस्तार से वर्णित करते हैं। सूर का स्थान इस दृष्टि से विलक्षण है, अनुपम है, सर्वोपरि है। आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है, श्रृंगार रस का रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वह सूरदास ने दिखाया। सूर के काव्य में भाषा, भाषा के तमाम उपकरण, चाहे वो शब्द विन्यास हो, चाहे वह व्याकरणिक व्यवस्था हो, क्योंकि सूरदास ब्रजभाषा के प्रखंड विद्वान थे, और सूर पहली बार ब्रजभाषा को साहित्यिक मंच देते हैं, साहित्यिक दर्जे तक पहुंचा देते हैं, यानी साहित्य की जो श्रेष्ठ भाषा का रूप है वो सूर की कविता में दिखाई देता है। इसलिए कला की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से भी चरमोत्कर्ष सूर के काव्य में दिखाई देता है। सूर जिस काव्य भूमि की सृष्टि करते हैं, जिस मनोभावों को कविता से जोड़कर अभिव्यक्त करते हैं, उसके विषय में हरिवंशलाल शर्मा लिखते हैं, जो कोमल कांत पदावली, जो भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारा प्रवाह बहने वाली भाषा, संगीतात्मकता, सजीवता सूर की भाषा में विद्यमान है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा बनने का श्रेय प्रदान किया। इस तरह ब्रजभाषा का वाल्मीकि सूर को कहा गया। मनमोहन गौतम ने
उन्हें ब्रजभाषा का वाल्मीकि कहा, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा। हम कहते भी हैं सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास। अब के कवि खद्योत सब जहते हैं करें प्रकाश। तो हिंदी काव्य में, काव्य जगत में सूरदास सूर्य की तरह दैदीप्यमान है और तुलसीदास को चंद्रमा की तरह बताया गया। आलंकारिक सौंदर्य की बात हो तो जो स्वाभाविकता सूर के काव्य में है वह अतुलनीय है। शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, यमक अनुप्रास श्लेष और वीप्सा वक्रोक्ति आदि की बात करें या अनुप्रास के सौंदर्य की बात करें, ध्वन्यात्मकता की बात करें या प्रतीकात्मकता की बात करें, बिंब विधान की बात करें या वर्ण योजना की बात करें, कहीं सूर अपने को किसी भी श्रेष्ठ कवि से कमतर सिद्ध नहीं करते। वे हर एक स्थान पर हर पक्ष में भाषा के अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते। देन आय ऊधो मत नीको आबहू री मिली सुनऊ सयानी लेहु सुजस कोटी को। ये जो व्यंग चेतना है, गोपियां कह रही हैं कि आओ आओ ये यश का टीका लगाने हमारे पास एक कृष्ण के दूत आए हैं, तो ऐसे भले बड़े हितकारी मत लेकर आए हैं, आओ आओ हम सब मिलकर इनका स्वागत करें। ये जो व्यंग्य चेतना है ये अद्भुत है। गोपियां आड़े हाथों लेती हैं उद्धव को, प्रताड़ित करती हैं और अंत तक पहुंचते पहुंचते उद्धव का सारा ज्ञान गायब हो जाता है और उद्धव को लगता है कि वो तो मूर्ख बन गए यहाँ कर। उन्हें यह भी लगने लगता है कि कृष्ण ने हो ना हो उन्हें जानबूझकर यहाँ भेजा है। तो शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, रूपक का प्रयोग हो या यमक और श्लेष आदि का, इस तरह से हम देख सकते हैं कि विनय संबंधी पदों में और सांग रूपक भी, सूर के सांग रूपकों का भी कोई मुकाबला नहीं। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमर पर गजबर कीड़ा तापर करत सिंह अनुराग, हरिपर सरवर सर पर गिरवर गिर पर फूले कंज पराग। एक पूरा सर से पांव तक, शिख से नख तक पूरा चित्र ही उतार देते हैं। अंग प्रत्यंग का ऐसा सांग रूपक दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। इस तरह हम चाहे पशु पक्षियों के संदर्भ में देखें, जीव जंतुओं के संदर्भ में देखें, मानवीय भावनाओं के संदर्भ में देखें, प्राकृतिक संवेदनाओं के संदर्भ में देखें, पुष्प आदि के, कोयल कपोत तोता मैना आदि जिस किसी प्रसंग में देखें, सूरदास ने किसी को अनदेखा नहीं किया, सभी को शामिल करते चलते हैं। इस तरह से दिन और रात का, संध्या का, गोधूली बेला का, प्रातःकालीन बेला का, सबका चित्रण वो करते हैं। यही सूर की सौंदर्य चेतना का उदाहरण है। वे कहीं उत्प्रेक्षा का, कहीं उपमा का प्रयोग करते हैं और अतिशयोक्ति स्वभावोक्ति विरोध भाव आदि अलंकारों के माध्यम से गोप गोपियों में जो भावना है, जो मनोभावना है, उनका चित्रण वो करते हैं। उनकी अलंकार योजना केशव की तरह भले ही ना हो, काव्यशास्त्रीय ज्ञान की प्रदर्शन प्रवृत्ति भी उसमें भले ही ना हो, किंतु यदि काव्य को सुसज्जित किया है, सजाया है, तो अलंकार आलंकारिक वैभव की कोई कमी वहां नहीं मिलती। इस तरह गेयता की बात हो, राग रागनियों की परख की बात हो, शैली की बात हो, कीर्तन की बात हो, गायन की बात हो, स्मरण की बात हो, सबका प्रयोग सूरदास करते चलते हैं। दोहा रोला चौपाई सवैया घनाक्षरी इन छंदों पर सूर का पूरा अधिकार है। गीत शैली स्तुत्य है। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि सूरदास वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा के परिचायक हैं। हिंदी
काव्य जगत में जिन शीर्षस्थ कवियों का नाम लिया जाता है, लिया जाएगा, उनमें सूर अग्रिम पंक्ति में सर्वोपरि स्थान पर दिखाई देते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, सगुण भक्ति काव्य परंपरा, इसको कृष्ण ने वैश्विक साहित्य का दर्जा दिया है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आज हम सगुण भक्त कवि, प्रमुख सगुण भक्त कवि कृष्ण भक्त कवि सूरदास पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्र में हम अगले किसी विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, जिनके माध्यम से आज हमने इस व्याख्यान को आयोजित किया। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न हमारे साथ साझा करें info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।